नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं लर्न टेक्निकल एनालिसिस बाय घनश्याम टेक। दोस्तों, स्टॉक्स मार्केट लर्निंग की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में बैंक निफ्टी का जो सेकंड पार्ट है, पहला पार्ट मैंने गैप अप वाला बनाया था, तो हम गैप डाउन वाला यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो गैप डाउन में हमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, किस तरह से हमको यूज़ करना है, क्या उसके मैंने रूल्स बनाए हुए, उस चीज़ों को आप देखिए, समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। ध्यान रखिए, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं बार बार हर वीडियो में 100 बार कम से कम बोलता हूँ कि आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, नहीं तो आप 5 साल से चीजें कर रहे हो, कोई 7 साल से कर रहा, कोई 3 साल से कर रहा, लेकिन प्रॉफिट में नहीं हो। सिर्फ इसलिए नहीं हो कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। प्रैक्टिस का मतलब यह नहीं होता कि प्रैक्टिस में आप प्रॉफिट बनाओ, प्रैक्टिस का मतलब सीखना होता है। और जब तक आप सीखोगे नहीं, मार्केट आपको कुछ भी नहीं देगा, जो आपके पास है वो सारा लेके चला जाएगा। और फिर भी आप नहीं सीखोगे तो फिर लेके आओगे, फिर लेके जाएगा, फिर नहीं सीखोगे, फिर लेके आओगे, फिर लेके जाएगा। तो जितनी बार आप डालोगे वो आपका लेके जाता ही जाएगा। तो इससे अच्छा है कि 10 बार देने से अच्छा है कि एक बार दो और धीरे धीरे चीजों को सीखो। आप 5,000, 6,000, 10,000 से डाल के धीरे धीरे चीजों को सीखो। सीखने के बाद देखिए, आप जब मार्केट को समझ जाते हैं, अपने सेटअप को समझ जाते हैं, उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे ना, तो आप लॉस में नहीं रहेंगे, ये गारंटी है मेरी। लेकिन आप कंटिन्यू करेंगे तब रिस्क मैनेजमेंट रूल्स डिसिप्लिन को फॉलो करके। किसी एक चीज को जब आप फॉलो करना स्टार्ट करते हैं ना, तो वो थ्योरी आपको लॉस में कभी नहीं लेके जाएगी। तो गैप अप वाली वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने गैप अप वाली वीडियो देख भी ली होगी। और गैप अप वाली थ्योरी से कई सारे ट्रेड भी हमें लास्ट वीक में मिले थे और बहुत अच्छा उसने मुनाफा भी बनाया था। मैंने भी आप लोग को बताया था, स्क्रीनशॉट भी पोस्ट किया था, और आप लोग को जब बना था तब भी मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट भी आप लोग को वहां पे पोस्ट किया था। तो यहां पे पहला हमारा गैप अप वाला हो चुका है। अब हमारा जो ये है गैप डाउन का, ठीक है। पहला तो क्या हो, गैप डाउन वाली थ्योरी है ये। अब यहाँ पे टाइम फ्रेम हमें क्या रखना है, इंपॉर्टेंट है टाइम फ्रेम। जैसे हमने गैप अप वाले के लिए टाइम फ्रेम हमने 2 मिनट था, यहाँ पे हमारा टाइम फ्रेम 1 मिनट का है। ध्यान रखना है कि और फास्ट ट्रेड आपको लेने पड़ेंगे इसमें। टाइम फ्रेम जो हमारा है वो 1 मिनट का हम यहाँ पे फॉलो करने वाले। देखिए, मैं 1 मिनट का फॉलो करता हूँ, दूसरा क्या करता है उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं 1 मिनट का फॉलो करता हूं, तो मैं आप लोग को यहां पे 1 मिनट का बता रहा हूं। यानी जब मार्केट गैप डाउन ओपन होगा तो मैं 1 मिनट की थ्योरी पे काम करता हूं, गैप अप ओपन होता है तो मैं 2 मिनट तक शांति से बैठता हूं। क्योंकि मार्केट जब गिरता है ना तो बहुत तेजी से गिरता है, तो 2 मिनट में शायद काफी लंबा मूवमेंट हो जाता है। मैंने देखिए एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, कंटिन्यू मैं ट्रेड करता हूं, उसी बेस पे ट्रेड करता हूं, उसी बेस पे आप लोग को मैं यहां पे बता रहा हूं। तो गैप अप में हम क्या करना है, गैप डाउन यहां पे हो गया, टाइम फ्रेम हमारा चार्ट का कितना रहेगा, 1 मिनट। यानी हम 9:16 तक चार्ट को देखेंगे, 9:17 पे हमारा ट्रेड बनेगा, 9:18 पे बने, 9:19 पे बने। दूसरी चीज यहां पे है कि गैप डाउन कितना होना चाहिए, मिनिमम 70 पॉइंट का गैप डाउन होना चाहिए। 70 पॉइंट का गैप डाउन यहां पे कंपलसरी है। गैप डाउन कितने पॉइंट का होना चाहिए, तो 70 पॉइंट से कम का गैप डाउन रहेगा तो हम उसको गैप डाउन नहीं मानेंगे और उसको हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखना है, जैसे गैप अप वाले में हम 50 पॉइंट देख रहे थे मिनिमम, गैप डाउन वाले में हम 70 पॉइंट देखेंगे मिनिमम, उसके बाद हम 8-10 पॉइंट का बफरिंग वो पकड़ लेना है। वो गैप अप हो, गैप डाउन हो, 10-12 पॉइंट का वो बफरिंग पॉइंट आपको पकड़ के ही चलना है। वो बफरिंग पॉइंट आपको कब समझ में आए, कभी आप 10 पॉइंट पहले बाइंग कर लोगे, कभी 10 पॉइंट आपको बाद में बाइंग करना पड़ेगा। क्यों, वो आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से समझ में आएगा। हो सके ट्रेड आपका बन रहा हो 9:17 पे, लेकिन आपने ट्रेड कहां पे ले लिया, 9:16:45 पे ही आपने ट्रेड ले लिया, वो एक्सपीरियंस से समझ में आएगा। शुरुआती दौर में आपको बिल्कुल राइट टू राइट जो कंडीशन बताई जा रही है उसी कंडीशन को फॉलो करना है। तो पहला हो गया, टाइम फ्रेम हमारा 1 मिनट का रहेगा, गैप डाउन कितने पॉइंट का होना चाहिए, मिनिमम 70 पॉइंट का गैप डाउन यहां पे होना चाहिए। और एक कंडीशन और है कि अगर गैप डाउन, मान लीजिए ये जो ब्लू बना रहा हूँ ये ग्रीन समझिए, क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने ग्रीन से बनाया था तो स्क्रीन पे दिख नहीं रहा था, तो शायद ब्लैक वाला अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए अगर अगले पिछले दिन यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन के मार्केट ने क्लोज किया है, ठीक है, मार्केट ने अगर ग्रीन कैंडल बन के क्लोज किया है और यहाँ पे गैप डाउन हो रहा है, यहाँ से देखिए यहाँ पे हम जा रहे हैं, गैप डाउन का मतलब पहले समझ लीजिए, यहां से हम जा रहे हैं तो गैप डाउन का मतलब क्या हो गया कि इसके नीचे ओपन होना चाहिए। अब यहां से नहीं होना चाहिए कि कल की जो क्लोजिंग हो गई, मान लीजिए कल की क्लोजिंग हो गई है, जैसे आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग जैसे हुई है मेरे ख्याल से 23,850 के आसपास में, ठीक है, तो 23,850 के आसपास में क्लोजिंग हुई है, तो आप गैप डाउन हमारे लिए यहां पे ये नहीं है कि कल बैंक निफ्टी अगर 23,700 खुल गया तो हमारे लिए गैप डाउन है। इस गैप डाउन को हम गैप डाउन नहीं बोल रहे, ध्यान रखना। अगर कोई ग्रीन कैंडल के साथ में क्लोज है मार्केट, तो पहले तो एक रेड कैंडल बनने देनी है, समझो मेरी बात को। मान लीजिए बैंक निफ्टी कल की क्लोजिंग
आज की क्लोजिंग हमारी फ्राइडे की यहां पे है, तो कल ये थ्योरी मंडे को काम तो बिल्कुल नहीं करने वाली है, ठीक है ना, मंडे को ये काम नहीं करेगी। इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए हमें एक रेड कैंडल चाहिए। अब इस ग्रीन कैंडल के बाद अगर मार्केट ने यहां पे रेड कैंडल बनाई, ब्लैक का मतलब रेड हो गया, अब रेड के बाद रेड की क्लोजिंग मान लीजिए यहां पर हो गई है 23,400। अब अगर ये गैप डाउन बनाता है तब हम फॉलो करने वाले हैं, 23,300 पे मान लीजिए ओपन हो गए हम, 100 पॉइंट हमने गैप डाउन दे दिया, तो हम इसको फॉलो करने वाले हैं। यानी गैप अप में तो हम किसी भी तरह का गैप अप चल जाएगा, लेकिन गैप डाउन में सिर्फ और सिर्फ रेड कैंडल बनने के बाद ही गैप डाउन को फॉलो करेंगे हम, या फिर जो कल की ओपनिंग प्राइस है, मान लीजिए अगर मार्केट आज ओपन होता है, मार्केट आज मान लीजिए यहां पे 23,800 है और मंडे के सेशन में हम ओपन होते हैं 24,000 पे, ठीक है, 24,000 पे हम ओपन होते हैं और क्लोजिंग भले 23,800 के ऊपर देते हैं, यानी 23,900 हम देते हैं, तो अगले दिन हम गैप डाउन फॉलो कर सकते हैं। मतलब ऊपर की प्राइस से नीचे क्लोज होना चाहिए, कैंडल मतलब रेड बननी होनी चाहिए, तभी हम गैप डाउन वाली थ्योरी को लगा रहे हैं। जबकि गैप अप में अगर आज कैंडल रेड बनी है, मार्केट कल गैप अप ओपन होता है, तो हम उसको फॉलो कर सकते हैं। गैप डाउन में पहली कैंडल अगर ग्रीन है तो हम मंडे का सेशन बनेगा नहीं, मंडे के सेशन में कैंडल रेड क्लोज होती है तो उसके बाद अगर गैप डाउन होता है तब हमें फॉलो करना है। क्लियर हो गया, टाइम फ्रेम 1 मिनट का रखना है, मिनिमम 70 पॉइंट गैप डाउन होना चाहिए, ग्रीन कैंडल के बाद का गैप डाउन हम नहीं फॉलो कर रहे हैं, रेड कैंडल के बाद गैप डाउन बनेगा तो ही हम फॉलो करेंगे। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, किसी भी ग्रीन कैंडल के बाद का गैप डाउन हम नहीं ले रहे हैं वहां पे, तो गैप डाउन रेड कैंडल के बाद का फॉलो करेंगे। अब ये तीन सिचुएशन हो गई हमारे पास में, ठीक है। अब यहां पे अब चौथी चीज हम फॉलो कैसे करेंगे, अब मान लीजिए बैंक निफ्टी, देखिए उसके पहले आप लोग वीडियो को ना लाइक और शेयर तो करते नहीं, मैं कितनी भी मेहनत कर लूं आप लोगों के लिए, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं, आप लोग को वीडियो जाके वही सब देखना है जिससे आपको कुछ भला नहीं होने वाला, जहां पे मैं कुछ चीजें बता रहा हूं प्रैक्टिकली, आपके साथ मार्केट में रहता हूं प्रैक्टिकली, आप लोग को चार्ट पोस्ट करते रहता हूं, इंपॉर्टेंट लेवल बताते रहता हूं कि किस लेवल के बाद फास्ट मूव आएगा, कहां पे गिरेगा, कहां पे क्या होगा, एक्सपायरी कहां पे होगी, दुनिया भर के व्यू में देते रहता हूं, वही ट्रेड में करते रहता हूं, लेकिन आप लोग को यह पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है, देखिए जो आके मुंह से बोल के चला जाएगा उसका कभी लॉस तो होगा नहीं, उसका कभी स्टॉप लॉस भी नहीं होगा, क्योंकि आप ट्रेड भी नहीं कर रहे हो। मैं ट्रेड करता हूं और आप लोग को ट्रेड देता हूं, तो शायद उसमें किसी दिन स्टॉप लॉस भी हो जाएगा, तो आप लोग को ये चीजें अच्छी नहीं होगी लगेंगी, क्यों, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस भी होता है। दोस्तों एक बात बताओ, दो बंदे हैं, एक बंदा दिन भर सोया रहता है, ठीक है, कोई काम नहीं करता है, और एक बंदा दिन भर में 100 काम करता है, तो गलतियां किससे होंगी, जो सोया रहता है दिन भर उससे गलतियां होंगी, जो 100 काम कर रहा है उससे गलतियां होंगी। अब क्या हो रहा है, जो 100 काम कर रहा है ना उससे 4 गलतियां हो रही, तो आपको दिख रहा कि यार इसने 4 गलती कर दी, इसने 4 गलती कर, लेकिन बेचारा जो सोया हुआ उससे तो कुछ काम ही नहीं किया, जब उसने कोई काम किया नहीं तो उससे कोई गलती भी नहीं हुई, तो आपको कौन सा अच्छा लग रहा, जो सोया है वो आपको अच्छा लग रहा, क्योंकि आप लोग भी सिर्फ सोए रहो, आप लोग को कुछ करना तो है नहीं, कुछ भी कर लो आप लोग प्रॉफिट में नहीं आओगे। क्यों नहीं आओगे प्रॉफिट में, क्योंकि आपको किसी चीज को फॉलो नहीं करना है, आप लोग को बस सुबह उठना है, मुंह धोना है और बैठ जाना है। क्यों, मार्केट ऊपर जा रहा बाइंग कर लो, मार्केट नीचे जा रहा सेल कर दो, या देखो कौन क्या व्यू दे रहा है, कौन किसके पे ट्रेड करूं, घनश्याम को देखो क्या देने वाला, मैं उसी पे ट्रेड कर दूंगा, मैं कुछ मेहनत नहीं करूंगा, मैं कुछ दिन तक हूं, 6 महीने हूं, साल भर हूं, 2 साल हूं, शायद उसके बाद से नहीं कोई यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा, नहीं कुछ करूंगा, तो फिर आप लोग क्या करोगे। तो इसलिए मैं आप लोग को चीजें सिखा रहा हूं कि आप लोग सीखो और खुद से करो, भाई मेरे मेहनत करो, मेरी मेहनत का पैसा आपको नहीं मिलेगा, उसका फल मुझे ही मिलेगा, आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला। मैं रात भर रात में ये वीडियो आप लोग के लिए शूट करता हूं, ये वीडियो बनाता हूं, तो इसका फल भगवान मुझे देगा, कहीं ना कहीं आप लोग आशीर्वाद दोगे तो आशीर्वाद के बदले मैं अगले दिन कहीं ना कहीं मार्केट से प्रॉफिट बना लूंगा। लेकिन ये सब चीजें जैसे मैं चीजें बताता हूं तो मेरे भी, मैं चार्ट दिन भर रात भर 8 बजे 10 बजे 11 बजे 1 बजे 12 बजे, अभी टाइम पता है आप लोग को क्या हो रहा है, ये मोबाइल है यहां पर आप टाइम देखो इसमें कितना बज रहा है, 1:38 हो रहे हैं अभी, 1:38। अच्छा इसमें नहीं लगेगा कि इसने टाइम सेट कर दिया होगा, तो ये दूसरा है, ये देखिए 1:39 हो रहे हैं अभी, रात के 1:39 पे आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। क्यों बनाता हूँ, देखिए अब मेरा सोने का टाइम भी हो रहा है, मैंने काफ़ी रिसर्च कर ली आप लोग के लिए, निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो बना के रख ली जो कि सुबह डाल दूंगा। इस वीडियो को भी अभी बनाने के बाद में एडिट भी मैं ही करता हूँ, मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है, मेरे पास कोई वर्कर नहीं है, मेरे पास कोई स्टाफ नहीं है, मैं खुद ही करता हूँ, इसके लिए ज़रूरत नहीं है। 10 मिनट की वीडियो शूट करूंगा, 5 मिनट एडिट करने में लगता है, मैं ज़्यादा काट छाट भी नहीं करता हूँ, जहाँ पर रुका हूँ बस वो
पार्ट कट कर लूंगा, बाकी जो बोल रहा हूँ उसी तरह से मैं डाल देता हूँ। तो आप लोग चीजों को मेहनत करो, आप मेहनत नहीं करोगे तो पैसा नहीं मिलने वाला आपको। मेरी मेहनत से पैसा नहीं बना सकते, मैंने मेहनत करके आप लोग को एक रास्ता दिखा रहा हूँ, उस रास्ता पे चलना तो आपको है, आप रास्ते पे चलोगे नहीं तो आपको कुछ बेनिफिट ही नहीं होगा। तो इस चीजों को आप समझ गए। अब यहाँ पे क्या है, एक मिनट की अगर पहली कैंडल गैप डाउन के बाद में रेड, ये रेड कैंडल है, आप ब्लैक को रेड समझना, ठीक है। अब एक मिनट की पहली कैंडल यहां पे रेड बन गई, तो सेकंड कैंडल अगर जैसे ही रेड बनेगी मैं इसको सेल कर दूंगा। एक मिनट की कैंडल है, ध्यान रखना है, सेकंड कैंडल जैसे ही रेड बनेगी मैं सेल कर दूंगा। स्टॉप लॉस मेरा ये स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को फॉलो करूंगा। ध्यान रखना, मार्केट जब पलटी होता है रेड से ग्रीन में ना तो काफी तेज होता है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस, बिल्कुल पॉइंट कटे, दो तीन पॉइंट ऊपर गया तुरंत उसको शॉर्ट आउट करो, खत्म करो पोजीशन को। बाइंग साइड में देखेंगे अगला व्यू बनेगा तब, लेकिन इस पोजीशन को लेकर के मर्ज की तरह वेट नहीं करना है, पोजीशन को तुरंत कट कर देना है। 10 पॉइंट 20 पॉइंट 50 पॉइंट का जो भी लॉस हो लेके निकल जाना है। लॉस बड़ा दिख रहा है आपको, स्टॉप लॉस नहीं करना है, शांति से बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगला ट्रेड मिलेगा, ट्रेंड लाइन पे मिलेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलेगा, बिग कैंडल मिलेगा, पिन पॉइंट मिलेगा। आप किसी एक चीज को फॉलो तो करो, मैं तो सब बता दूं, लेकिन आपको फॉलो तो कुछ नहीं करना है। मैं तो बोलता हूं किसी एक को पकड़ लो, और एंड ऑफ वीक एंड ऑफ मंथ अगर पहले आप 50-100 ट्रेड प्रैक्टिस कर लोगे तो एंड ऑफ वीक कभी आप लॉस में रहोगे ही नहीं। तो पहले मिनट की कैंडल बन गई, कैंडल बनने के बाद जैसे ही लो को ब्रेक करेगा मैं इसको सेल कर दूंगा। ध्यान रखना ये मोमेंटम ट्रेड होता है, इसको हम मोमेंटम बोलते हैं। जितनी फास्ट सुबह सुबह मान लो 100-150 पॉइंट की मोमेंटम बहुत फास्ट मिलेगी आपको, जब भी होता है गैप अप होता है तो भी आपने देख लिया है गैप डाउन होगा, उसी तरह की 100-150 पॉइंट की एक मोमेंटम। तो जो मोमेंटम में हमें मिले वो हमें लेके निकल जाना है। यहां पे देखो, अगर आप ऑप्शन, जैसे मैं ऑप्शन बायर हूं, तो ऑप्शन बायर जल्दी टारगेट, बड़ा मुश्किल हो जाता है टारगेट को निकालना, हमेशा मोमेंटम को ट्रैक करना चाहिए। हो सकता है हमने, जैसे कि आज मैंने एक कॉल दी थी आप लोग को, कॉल कौन सा था मेरे ख्याल से 700 का था, 23,000 शायद 700 का कॉल था, मुझे लग रहा 23,700 या 23,600 का, याद नहीं आ रहा मुझे क्या कॉल था। 217 पे मैंने दिया था, और मैंने वहाँ पे अपने ग्रुप में सपोर्ट ग्रुप में डाला था, तो वहाँ पे मैंने लिख दिया था कि 5-6 मिनट में जो मिलेगा लेके भाग जाना। अब 5-6 मिनट में उसने 200, 220, 250, 280, 300 का हाई लगा के आ गया, वो 5 से 7 मिनट में 380 का हाई लगा के आ गया, तो वो मोमेंटम हो गया। अगर वो थोड़ी देर वेट करेंगे 380 का हाई लगाने के बाद में, वो वापस 216 आके फिर से ट्रेड करने लगा था थोड़ी देर बाद में। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन हो तो मोमेंटम को प्ले करो, 10 मिल रहा, 20 मिल रहा, 25 मिल रहा, 50 मिल रहा, लेने की कोशिश करो। नहीं कुछ समझ में आ रहा, आधी क्वांटिटी बुक करो, आधी क्वांटिटी को होल्ड करो बाइंग प्राइस के पास का स्टॉप लॉस लगा के। तो जैसे ही इसको ब्रेक करेगा हम यहां पे सेल कर देंगे। ये तो हो गई कब, जब हम रेड कैंडल पहली बनेगी तब। पहली कैंडल अगर ग्रीन बनती है, पहली कैंडल देखिए गैप डाउन के बाद में भी ग्रीन बन सकती है, ठीक है ना, तो हम सिर्फ सेल करने के लिए नहीं बैठे हैं, बाइंग करने के लिए भी बैठे हैं। गैप डाउन के बाद अगर मान लीजिए ये पहली कैंडल ग्रीन बन गई, हम ब्लू से ब्लू कर रहे हैं तो ब्लू मतलब ग्रीन, ठीक है। पहली कैंडल अगर ये ग्रीन बन गई गैप डाउन के बाद में, पहली कैंडल ग्रीन बन गई, तो सेकंड कैंडल जब हाई को ब्रेक करेगा तब आपको बाइंग नहीं करना है, ध्यान रखना है। सेकंड कैंडल ने अगर हाई को ब्रेक किया तो बाइंग नहीं करना है। थर्ड कैंडल जब सेकंड कैंडल के हाई को ब्रेक करेगी ना तब बाइंग करना है। इस कंडीशन में एसएल हमारा क्या होगा, ये सेकंड कैंडल का लो। रेड कैंडल बनेगी तो पहली कैंडल में ही सेल कर देना है, ग्रीन कैंडल बनेगी तो एक और ग्रीन बनने देना है, तीसरी वाली ग्रीन में हमें बाइंग करना है और दूसरी वाली ग्रीन का स्टॉप लॉस लगा लेना है, जो भी बन रहा हो, 20 पॉइंट 10 पॉइंट 15 पॉइंट कोई दिक्कत नहीं। आप जब कंटिन्यू फॉलो करोगे 20-25 ट्रेड लोगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ लॉस नहीं होगा कंटिन्यू करने पे। अब अगर पहली कैंडल ग्रीन बनी और दूसरी कैंडल रेड बन गई, पहली कैंडल ग्रीन बन गई और दूसरी कैंडल रेड बन गई, रेड बनी और ग्रीन के अंदर में ही रेड बनी, ये रेड कैंडल बनी लेकिन रेड कैंडल कहां बनी, ग्रीन के अंदर में बनी। अब अगर ये पहली कैंडल के ग्रीन के हाई को बाइंग करेगा तभी मैं बाइंग कर लूंगा, ठीक है। पहली कैंडल ग्रीन बन गई और दूसरी कैंडल अगर रेड बन गई है और इसकी क्लोजिंग पहली वाली जो ग्रीन कैंडल का हाई है इसके नीचे है, तो मैं जैसे ही पहली वाली ग्रीन कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा मैं बाइंग कर लूंगा। उसी कंडीशन में स्टॉप लॉस मेरा फिर ये पहली वाली ग्रीन का लो ही यहां पे रहेगा, ठीक है। अब अगर पहली कैंडल रेड बन गई, ठीक है, पहली कैंडल अभी ग्रीन बन के रेड बन रही, पूरी बात को ध्यान से समझ लो आप, पहली कैंडल अगर ग्रीन बनी तो सेकंड कैंडल भी ग्रीन बनने देना है फिर थर्ड में बाइंग करना है। पहली कैंडल ग्रीन बनी और सेकंड कैंडल रेड बनी तो पहली कैंडल के हाई के ऊपर ही बाइंग कर लेना है। अब यहाँ पे पहली कैंडल रेड बनती है, समझो पहली कैंडल अगर रेड बन गई, कन्फ्यूज मत होना आप लोग भाई, पहली कैंडल रेड बन गई और दूसरी कैंडल ग्रीन बन गई,
ठीक है, पहली कैंडल रेड बन गई और दूसरी कैंडल ग्रीन बन के पहली कैंडल के हाई को ब्रेक कर रहा है, हम बाइंग नहीं कर रहे हैं। हम अब इस थ्योरी में हम इसको बाइंग नहीं करेंगे। हमारे पास चार कंडीशन हो गई, पहली कैंडल अगर रेड है, दूसरी कैंडल ने इसके लो को ब्रेक किया, पहली कंडीशन में हमने बाइंग कर लिया मतलब सेल कर दिया इसको, या फिर पुट को बाइंग कर लिया। पहली कैंडल रेड है, दूसरी कैंडल ग्रीन बन गई, हमें ये थ्योरी अप्लाई ही नहीं करनी है, ना बाइंग में ना सेल में। पहली कैंडल ग्रीन बन गई, गैप डाउन ओपन होने के बाद पहली कैंडल ग्रीन बन गई और सेकेंड कैंडल ने रेड बन गई, सेकेंड कैंडल रेड बन गई, तो थर्ड कैंडल जब इसके हाई को ब्रेक करेगी तब हम इसको बाइंग साइड में बैठ गए, ठीक है। और अगर पहली कैंडल ग्रीन बनी, दूसरी भी ग्रीन बनी, तो तीसरी के ऊपर जब निकलेगा तब हम बाइंग करेंगे। ये चार कंडीशन है जो मैंने आप लोग को समझा दी। कंफ्यूज हो रहे होगे तो जिस दिन गैप डाउन ओपन होगा मैं उस दिन एक वीडियो बना दूंगा, आप लोग को क्लियर कट समझ में आ जाएगा, लेकिन उस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर इसी चीज़ों को पूरा विस्तारपूर्वक आप समझना और सीखना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, जिससे आप जाके जीरोधा में या एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करके आप हमारे फ्री लाइफ टाइम सपोर्ट ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिससे मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडेक्स के, स्टॉक्स के चार्ट पोस्ट करते रहता हूँ, कुछ पोजिशनली, कुछ स्विंग ट्रेडिंग के चार्ट भी वहाँ पे पोस्ट करते रहता हूँ, तो उसको आप देखिए, समझिए और सीख सकते हैं। और अगर आप हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं तो आप हमारे फ्री ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फ्री ट्रेनिंग सिर्फ उनको ही दी जाएगी जो एक्टिव ट्रेडर हैं, अगर आप एक्टिव ट्रेडर नहीं हैं तो आपको फ्री ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। मैं क्लियर कट बात बोलता हूं, छुपा के कुछ नहीं बोलूंगा आप लोगों से, तो ये कंडीशन है। दूसरी चीज़, अगर आप चाहते हैं कि वन पैटर्न, जो मैंने लास्ट वीक में बनाया था कि वन पैटर्न स्ट्रेटजी, एक पैटर्न पर हम पूरे वीक ट्रेड करना है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वन पैटर्न स्ट्रेटजी आपको बतानी है तो इस वीक मैं कौन सी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ और किस स्ट्रेटजी पर पूरे वीक ट्रेड करूँगा। पूरे वीक दो स्टॉक मिले, तीन मिले, पांच मिले, हम पूरे वीक उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे और एक ही स्ट्रेटजी से मैं आप लोग को बताऊंगा कि एक ही स्ट्रेटजी से किस तरह से आप पैसा बना सकते हो, लेकिन आपको रुकना पड़ता है। आप लोग क्या है, जब मार्केट भागने लगता है ना और आपका स्टॉक्स में आपका ट्रेड बन नहीं रहा है ना, तो आप लोग को घबराहट होने लगती है, अरे यार पूरा मार्केट भाग गया, ऐसा ना हो कि भाग जाए। अरे भाई सोने की मुर्गी है, अंडा रोज देगी तो रोज खाओ ना, मुर्गी को काटने के पीछे आप लोग क्यों पड़े रहते हो, अंडा दे रही, अंडा उठाओ, अपना काम करो, लेकिन आप लोग को तो एक ही दिन उसको हलाल करना है, नहीं आज ही पूरा प्रॉफिट आज लेके जाना है, तो लेके जाओ, मार्केट शाम को आपको छुआ देता है, छुला के देता है, बोलता है कि ले पूरा प्रॉफिट लेके जाओ, और लेके लॉस जाते हो, भले दिन में प्रॉफिट बनाया लेकिन शाम को लॉस लेके जाते हो। भैया प्रॉफिट हो रहा है तो स्क्रीन बंद कर दो ना, प्रॉफिट के लिए बैठे थे, भगवान ने आपको प्रॉफिट सुबह के पहले ट्रेड में दे दिया, तो सारे दिन मगजमारी क्यों कर रहे हो वहां पर बैठ के, प्रॉफिट के लिए बंद करो, जबरदस्ती सारे दिन क्यों ट्रेड करते रहते हो आप लोग। पहले इस चीज को फॉलो करो कि टर्मिनल बंद करने की हिम्मत जुटाओ, उसके लिए हिम्मत चाहिए होती है कि टर्मिनल को बंद करना, टर्मिनल को एक बार बंद कर दो शांति से। मैं ज्यादातर ट्रेड 10:30-11 बजे के पहले ले चुका होता हूं, बहुत कम ट्रेड उसके बाद लेता हूं, बैठा भले बैठा रहूंगा लेकिन ट्रेड बहुत कम लेता हूं। तो आप लोग भी इसी तरह एक कुछ रूल्स बना लो कि मुझे कितने टाइम ट्रेड करना है, कितना ट्रेड करना है, कितना प्रॉफिट लेना है। जब तक वो सारी चीजें नहीं करेगी तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताओ, मैं उस तरह के वीडियो बनाता हूं, आप लोग उस वीडियो को देखो, लाइक करो और शेयर करो। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर करते नहीं इसलिए मेरा मूड भी नहीं करता बनाने का, तो वीडियो को लाइक और शेयर करो, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो जब आप लोग के लिए बना के दे सकता हूं, और आप लोग अगर उसको फॉलो करो कंटिन्यू तो आपको लॉसेस नहीं होंगे, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद, कंटिन्यू आप प्रैक्टिस करेंगे तब। तो ज्यादा जानकारी के लिए या ट्रेनिंग अगर आपको फ्री लेनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां से आप अकाउंट ओपन कीजिए फटाफट, और अकाउंट ओपन होने के बाद स्क्रीनशॉट जो वहां पे डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया है उस पर व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको सपोर्ट ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।